नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। आपके स्पाइन में दर्द रहता है, स्पाइन पूरी स्टिफ रहती है, स्पाइन आप में तनाव रहता है, तो आप उसको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सरल टेक्निक है, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, केवल इस टेक्निक को सीखने की आवश्यकता है। आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, इस तरीके से नीचे यहाँ रखिए और मैक्सिमम पार्ट तक ले जाने के बाद में पैरों को एक तरफ ले जाइए, इस तरीके से पैर एड़ी पंजे घुटने एक साथ बने रहेंगे और पूरे शरीर को आप इधर मोड़ दीजिए। पूरे शरीर पर पूरा तनाव आपका आना चाहिए, पूरा खिंचाव आना चाहिए, जैसे हम कपड़े किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरीके से आपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है पूरा का पूरा। आप ये कोशिश करिए कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरीके से स्पाइन पूरी ट्विस्टिंग होनी चाहिए। चेहरा बिल्कुल मोड़ लीजिए इस तरीके से, है ना, आप देख रहे हैं पूरी स्पाइन ट्विस्टिंग है, यानी कि ये पैर इधर जा रहा है, ये पूरा कंधा इधर जा रहा है और यहां पर होल्ड करिए 5 से 6 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर बॉडी को सीधा कर लीजिए, है ना। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे, पूरा का पूरा शरीर यानी कि दोनों पैर इधर आ जाएंगे और केवल स्पाइन हमारी और कंधा इधर चला जाएगा हमारा। पूरा आपने दबाव देना है, पूरा इस तरीके से दबाना है और ये पूरा का पूरा दबाव आपकी स्पाइन पूरी की पूरी इधर ट्विस्ट होगी और उधर ट्विस्ट होगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका स्पाइन पर दबाव आ रहा है, पूरा का पूरा खिंचाव आ रहा है इस तरीके से। होल्ड करने के बाद में फिर रिलैक्स करेंगे इस तरीके से और ये आपने ट्विस्टिंग करी और इसी के बाद में दोनों पैरों को पीछे लाकर यहाँ पर दोनों हाथों से अपने होल्ड करेंगे, इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर ये भी 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे और यहीं से अब आप उठ जाएंगे, धीरे से आराम से उठेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले राइट और लेफ्ट करी, फिर हमने पैरों को लेके आया और फिर हम खड़े हो गए, ये चौथी एक्सरसाइज है। पांचवी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, दोनों पैरों को आप उठा देंगे और यहाँ से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका जो होल्डिंग है, आपकी पूरी की पूरी जो होल्डिंग है आपके पेट पर आ जाएगी। आप दोनों पैरों को पकड़ लीजिए इस तरीके से, आपकी पूरी की पूरी होल्डिंग जो है पेट पर आ जाएगी। ये कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये 5 स्टेप्स हैं और धीरे धीरे आप हाथों से पैरों को छोड़ देंगे, पहले पैर नीचे जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपके आप सीधे लेट जाएंगे। 5 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने दाएं मोड़ा, सेकंड स्टेप में बाएं मोड़ा, तीसरे स्टेप में हमने दोनों पैरों को ऊपर मोड़ा, चौथे स्टेप में आप भी बैठ गए और पांचवें स्टेप में आपने पैरों को सीधा करके नौकासन लगा लिया। ये नौकासन है जिसमें आप ये देखेंगे पैर ऊपर हैं और इस तरीके से आप बीच में जो जगह है वो नाव की तरह है, इसको नौकासन बोलते हैं। तो इस तरीके से 5 एक्सरसाइज आपके कमर को रिलैक्स करने की जबरदस्त तरीका है। इसका अभ्यास करिए, इन 5 एक्सरसाइज का अभ्यास करिए, सुबह शाम करिए, 3 दिन लगातार करिए। इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा अनुभव होता है। इस तरीके की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हर सुबह 7 बजे ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।